मेक श्योर कि हम सारे पास पेपर्स करें आगे। अच्छा भाई फिर वो बोलता है भाई जिस मतलब जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे लॉज एंड रेगुलेशन भी देख लेना, वही रिस्क असेसमेंट। एक तरफ ये भी आपका क्लाइंट है, एक तरफ वो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, तो आपको उसकी भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है ना। आप इस क्लाइंट को मना कर सकते हैं जो आपके पास आया है, सही ख्याल रखना है। चलिए जी सेक्शन 310 अगर मैं देखूं तो आप देखिए 310.4A1 इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट माइट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर हम देखेंगे पहला केस जो है प्रोवाइडिंग द ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, यानी मैं एक क्लाइंट को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूँ जो कि मेरे ऑडिट क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए है, तो सर वो एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट करता है, वो मैंने यहाँ से उठाया था, आप उसको केयरफुली देख सकते हैं। $42,000 ऐसा ही है। अच्छा भाई अब मुझे देखना यह है कि क्लाइंट ऑफिस को बाद में देखेंगे, अभी ऑफिस वाइज ही देख रहा हूं, फर्म वाइज देख रहा हूं, पहले बात समझिएगा। वो कहता है क्या, वो कहता है ये कि जब आप रिस्क असेसमेंट करने होते हो ना, तो वो कहता है ये कि भाई रिस्क असेसमेंट क्या क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले भी ये देखो कि क्या आपने कोई अदर एंगेजमेंट परफॉर्म की इस क्लाइंट के लिए, और अगर आपने कोई अदर एंगेजमेंट परफॉर्म किया और वहां से आपको कोई रिस्क फैक्टर पता लगता है, तो आप उस एलिमेंट को भी अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सही है, तो वहां से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट तभी पता लगता है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट।